हेलो गाइस, वेलकम टू इजी हाउस प्लान। आज जो हम हाउस प्लान की बात करने वाले हैं वो 30 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट के हिसाब से हाउस प्लान डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हाउस प्लान डिज़ाइन करते हैं तो रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमको क्या रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो हमें आज 3 बेडरूम की रिक्वायरमेंट वाले हाउस प्लान डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 BHK हाउस प्लान, 3 BHK की बात क्लियर करते हैं हम। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले हमने जो पोर्च दिया है, यह सबसे पहले देखिए मेन एंट्रेंस का ऑप्शन दिया है। उसके बाद पोर्च है, जो पोर्च 12 फीट बाई 16 फीट 3 इंच का है, जो कि 12 फीट चौड़ाई है, 16 फीट 3 इंच की इसकी लंबाई है, जो कि कार पार्किंग के लिए बेस्ट है। यदि आप छोटी कार पार्किंग करना चाहते हैं, 2 व्हीलर पार्किंग के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो जस्ट अंदर में पोर्च के बाद मेन डोर है, जो कि हमने यहाँ 6-6 इंच के 2 स्टेप्स लगाए हैं स्टेयर के। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि हॉल से आपका जो भी रूम है प्लिंथ लेवल से पोर्च डाउन में है, 12 इंच के डाउन में है। ठीक है, हॉल की बात की जाए तो हॉल 28 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का है, जो कि 28 फीट आपका ऐसा 28 फीट 6 इंच आपका है और 12 फीट ऐसा है। ठीक है, हॉल से ही हमने यहाँ पर स्टेयर का ऑप्शन दिए हैं। स्टेयर में जो स्टेप्स हैं है ना, वो हम 23 दिए हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी वास्तु के अनुसार माना जाता है कि विषम संख्या में स्टेप्स होने चाहिए, तो 23 हो गए, 21 है, 25 है स्टेप में, तो हमारे जो डिज़ाइन के हिसाब से 23 स्टेप्स निकले हुए हैं। ठीक है, हॉल से ही हमने किचन का ऑप्शन दिया है, हॉल से ही मास्टर बेडरूम है, हॉल से ही कनेक्शन है हमारे बेडरूम नंबर 1 का। तो बात की जाए बेडरूम नंबर 1 की, तो 15 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का बेडरूम नंबर 1 है। इसमें 2 4x4 के 2 विंडो हमने लगाए हैं, जो कि इसका सामने की तरफ जो गार्डन है उसमें इसका काफ़ी अच्छा लुक बनता है। ठीक है, इसके लिए जो लेड बाथ का ऑप्शन है स्टेयर के नीचे से, ये कॉमन लेड बाथ हमने दिया है, जो कि 4 फीट बाई 7 फीट का बाथरूम है, लेट बाथ कनेक्शन अटैच है इसमें। ठीक है, हॉल से जो किचन का ऑप्शन है, किचन के थोड़ा सामने में हमने यहाँ डाइनिंग स्पेस दी हुई है, आप डाइनिंग टेबल वगैरह रख सकते हैं। आप चाहें तो किचन आपको बड़ा करना है तो इसके हिसाब से आप इस कॉलम के हिसाब से आप इस वॉल को यहाँ ले सकते हैं, तो आपका 2 फीट और बढ़ जाएगा। तो मैंने जो किचन बनाया है 12 फीट बाई 9 फीट 9.5 फीट का है। ठीक है, जो कि 9.5 फीट ऐसे चौड़ाई में आ जाता है और 12 फीट लंबाई में आ जाता है। किचन के जस्ट पीछे में वॉश एरिया का ऑप्शन है, जो कि काफ़ी एक्चुअल रिक्वायर्ड है। तो 6 फीट बाई 4 फीट का ये वॉश एरिया है, पीछे में OTS का ऑप्शन है। बात की जाए मास्टर बेडरूम की, तो मास्टर बेडरूम की जो साइज है 13 फीट 8 इंच बाई 14 फीट की है, है ना। और मास्टर बेडरूम से ही हमने लेट बाथ अटैच दिया है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज है, 8 फीट के इस साइड में बन रहा है, 4 फीट का यहाँ है, ये भी 8 फीट की साइज में है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायमेंशन लिखा नहीं, लेकिन ये 8 फीट का है। यहाँ से आपका डोर बंद हो जाएगा, आप पूरा ये अपना सिरेमिक टाइल्स लगा के काफ़ी अच्छा लुक बनेगा ये इसका। और मास्टर बेडरूम से की बात की जाए, यहाँ ये हॉल से कनेक्शन है, यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पर एक विंडो है, जो कि 4 फीट बाई 4 फीट का है। इस प्रकार बात की जाए इसकी, ये ग्राउंड फ्लोर का ऑप्शन था। बात की जाए फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर में कुछ इस तरह का हमने डिज़ाइन किया, ऊपर मात्र 1 बेडरूम का ऑप्शन दिया है, क्योंकि बेडरूम नंबर 1 जो नीचे की ओर था उसको हमने ऊपर में बेडरूम नंबर 2 के हिसाब से बनाया है। इसमें अटैच बाथरूम तो नहीं दिया है, लेकिन रूम से ही कनेक्शन दिया हुआ है इसका, जो कि ऊपर में यूज हॉल है, हॉल के पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम के पर्सन यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट साइज के हिसाब से दिया गया, 4 फीट बाई 8 फीट का ये बाथरूम है। पीछे ओपन टेरेस है, सामने की ओर ओपन टेरेस दिए हैं। यदि आप चाहें नंबर ऑफ रूम बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो नीचे की ओर में रूम दिया है आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, या जो किचन नीचे है वहाँ भी दे सकते हैं। रेंट पर्पज़ के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो रेंट पर्पज़ के लिए भी आप यहाँ से सीढ़ी दे के भी आप ऑप्शन डाल सकते हैं। यदि आपका भी प्लॉट 30 फीट बाई 50 फीट का है या इसके सिमिलर है, तो आप इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इस प्लान में कोई एडिट कराना चाहते हैं, तो आप हमसे
नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप इसी प्रकार के हाउस प्लान देखना चाहते हैं या अन्य प्रकार के हाउस प्लान देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या नीचे दिए गए वेबसाइट के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं।